नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर, बीपीएससी ने कर दिया है बड़ा बदलाव। बिहार में कम होगी बालू की कीमत। बिहार में अब हफ्ते भर पहले मिल पाएगी भूकंप की चेतावनी। बिहार में अब फिल्म निर्माताओं को मिलेगी हर संभव सुविधा। बिहार में बढ़ी लीची की मिठास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर, बीपीएससी ने कर दिया है बड़ा बदलाव। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना से सबक लेते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परीक्षा आरंभ होने से 15 मिनट पहले तक ही एंट्री मिलेगी। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। सोमवार को आयोग के चेयरमैन आर के महाजन की अध्यक्षता में 15 मई को होने वाली CDPO परीक्षा से जुड़े जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में इस आशय का निर्देश दिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सोमनाथ भारती की। सोमनाथ भारती का जन्म 10 मई 1974 को आज ही के दिन हुआ था। सोमनाथ भारती एक भारतीय वकील है जो आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता बन गए हैं। एक वकील के रूप में उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। वो 2013 के दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक दिल्ली सरकार में कानून, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री थे। बिहार में कम होगी बालू की कीमत। बिहार में जल्द ही बालू की बहार लौटने वाली है, क्योंकि बालू की महंगाई से परेशान आम जनता को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, महंगाई की मार का सामना कर रहे आम लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खासकर उन लोगों के लिए ये खबर बेहद ही खास और बड़ी होने वाली है जो लोग रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार में बालू की कीमत अब पहले से भी कम होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश के उन बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है जो अब तक के टेंडर प्रक्रिया में नहीं थे। इससे राज्य में बालू की कीमत नीचे जा सकती है। बिहार राज्य खनिज विकास निगम ने बचे हुए लगभग 100 बालू घाटों के नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बालू घाट पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय, सारण, अरवल, बेतिया, बक्सर, बांका और किशनगंज जिलों में है। अब इन्हें बिहार सरकार देने जा रही है सब्सिडी। बिहार की नीतीश सरकार अब तक कई क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी देने का काम करती है। चाहे वो आपकी रसोई में जल रही गैस हो या फिर कोई योजना हो, सरकार सब्सिडी देने का काम करती है। इसी बीच अब बिहार की नीतीश सरकार बिहार के अन्नदाताओं को भी सब्सिडी देने का काम करने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, नीतीश सरकार ने अब एक बार फिर से किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी को चालू करने का निर्णय लिया है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना एक साल बंद करने के बाद ही अब राज्य सरकार फिर से इसको चालू करने जा रही है। हालांकि किसानों के केंद्र की योजना तो पहले से ही चल रही है, लेकिन किसानों का इससे काम नहीं चला तो फिर से राज्य सरकार अपनी योजना लाने जा रही है। लगभग 100 करोड़ का प्लान बना है, सरकार की मुहर लग गई है तो इस बार 80 यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगा। बिहार में बढ़ी लीची की मिठास। बिहार में अब लीची की मिठास बढ़ गई है। बीते 2-3 साल के बाद मौसम लीची के लिए काफी अनुकूल माना जा रहा है। 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद तापमान का बढ़ना लीची के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हुई है, जिससे लीची की मिठास तो बढ़ी है, साथ ही साइज भी अच्छी होने वाली है। लीची के किसानों की माने तो अब बहुत तेज आंधी और ओलावृष्टि से ही नुकसान हो सकता है। फिलहाल मौसम अच्छा है, 15 मई के बाद लीची तोड़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन किसानों के मुताबिक 20 मई के बाद अच्छी क्वालिटी की लीची बाजार में आएगी। जानकारों की माने तो तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहने से लीची का स्वाद और गुदा उम्दा होता है। अब आयुष्मान में बढ़ेंगे पैकेज, MRI, पैट स्कैन समेत कई चीजें होंगी मुफ्त। आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी। आयुष्मान योजना में बदलाव करने के लिए अब तैयारी तेज हो गई है। लगभग 650 तरह के पैकेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों के लिए अब MRI, पैट स्कैन समेत कई महंगी चीजें भी मुफ्त में मिलने वाली है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समेत कई महंगी जांचें भी अब मुफ्त होने की उम्मीद है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान योजना में जांच का बजट बढ़ाने जा रहा है। अभी तक रेडियोलॉजी जांच के लिए साल में 5,000 रुपये की राशि ही तय होने से महंगी जांच कराने के लिए मरीज को खुद भुगतान करना पड़ता था। अब इलाज के लिए कुल पैकेज में सभी तरह के रेडियोलॉजिकल जांचों का शुल्क भी जोड़ा जाएगा। ज्ञात हो, केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया है।
आसानी तूफान का बिहार में दिखेगा असर। पिछले एक महीने से सूरज की तपिश झेलने के बाद पूरे बिहार वासियों ने ठंडी हवा और रिमझिम बारिश का आनंद लिया। राजधानी पटना सहित बिहार के सभी जिलों में कहीं रिमझिम तो कहीं पर झमाझम बारिश का लोगों ने आनंद लिया। आपको बता दें कि इस साल का पहला प्री मानसूनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका है। श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने इस तूफान को आसानी नाम दिया है। ये चक्रवात सीधे तौर पर तो बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन 11 और 12 मई को सूबे के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आंधी पानी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में 11 और 12 को गरज तड़क के साथ आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अब बनेंगे तैराक। बिहार की नदियों से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी। इसको लेकर सरकार एक विशेष मुहिम भी चलाने वाली है। ये अभियान के उन 18 जिलों में विशेष तौर पर चलाया जाएगा जहां पर डूबने से अधिक लोगों की जान जा रही है। तैराकी सिखाने की योजना बिहार राज्य प्रबंधन प्राधिकरण ने बनाई है। जल्द ही इस योजना पर अमल शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों ही बिहार में डूबकर जान गंवाने वालों का आकलन कर रही आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी समेकित रिपोर्ट तैयार की है। पूर्वी चंपारण, सारण, जहानाबाद, खगड़िया, पटना, अरवल, मुंगेर, समस्तीपुर, रोहतास, शिवहर, बेगूसराय, मधेपुरा, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, नालंदा, गया और किशनगंज में तैराकी सिखाने का अभियान चलेगा। भारतीय यूरेनियम निगम ने निकाली रुक्तियां। भारतीय यूरेनियम निगम ने अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 130 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए ट्रेड की बात करें तो इसमें माइनिंग मेट, ब्लास्टर, बाइंडिंग, इंजन ड्राइवर है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं कक्षा या 10+2 पास की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 3 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अब हफ्ते भर पहले मिल पाएगी भूकंप की चेतावनी। भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील सिस्मिक जोन, ये जोन 5 और 4 में आने वाले बिहार के अधिकतर जिलों में खतरों की अग्रिम चेतावनी जारी की जा सकेगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग मिलकर राज्य के 10 जिलों में सिस्मिक टेली नेटवर्क तैयार कर रहा है। मुजफ्फरपुर में MIT कॉलेज परिसर में टावर लगाया जा रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोपालगंज और छपरा में BSTN टावर लगाया जाएगा। BSTN टावर धरती के कंपन का उसी तरह अध्ययन करेगा जिस तरह मानव के दिल की धड़कन की गिनती होती है। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली के नियम में हुआ बदलाव। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने के बाद सीएम नीतीश ने जहां एक तरफ नाराजगी जाहिर की है तो वहीं दूसरी तरफ ये तय हो गया है कि राज्य के अंदर आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश के जनता दरबार कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली में धांधली के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल मुख्य सचिव को बुलावा भेजा है, जिसके बाद ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कैबिनेट में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली से जुड़ी नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। बंद हो गया जू का ट्रैकलेस टॉय ट्रेन। राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान घूमने वाले दर्शकों के लिए मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां ट्रैकलेस टॉय ट्रेन जो घूमने आए पर्यटकों के लिए चलाया जाता था, अब उसे बंद कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन बंद होने के पीछे कारण ये नहीं है कि ट्रेन खराब हो गई है, बल्कि जू प्रशासन ने ट्रेन संचालक द्वारा ट्रेन का रेंट भुगतान नहीं करने को लेकर मौखिक आदेश के तहत बंद कराया है। जू प्रशासन की तरफ से 5 लाख रुपए ट्रेन का रेंट मांगा जा रहा है। जू को अब तक 4 लाख रुपए दिए गए हैं, 5 लाख रुपए और मांग की जा रही है। उम्मीद है कि अब इसका भुगतान होने के बाद ही ट्रेन संचालन की अनुमति मिलेगी। वेनुवन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वेनुवन बांसों के वन में बसे वेनु विहार को उस समय के राजा बिंबसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेनुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेनुवन के ही परिसर में एक नव वेनुवन विहार का नाम निर्माण करवाया गया है और यहाँ एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ में ही वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने, जहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए 22 कुंड बनाए गए हैं। इनमें ब्रह्मकुंड का पानी सबसे गर्म 45 डिग्री सेल्सियस होता है। 67वीं BPSC पेपर लीक मामले में एक्शन में सीएम नीतीश। 67वीं BPSC परीक्षा का पेपर लीक मामले में बिहार की नीतीश सरकार अब घेरे में है। पेपर लीक मामले को लेकर हर कोई सरकार पर उंगली उठा रहा है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश ने खुद इस मामले में जांच में तेजी लाने के लिए आदेश जारी किया है। बीते दिन जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि कल जो हुआ हम तो समय दे दिए थे अपनी पार्टी के बहुत लोगों को। हम वहां बैठकर लोगों से मिल रहे थे, वहीं पर मालूम हुआ हमको। जानकारी मिली तो हम तुरंत बाहर निकलकर पूछे, जैसे ही मालूम हुआ वैसे ही तत्काल एक्शन लिया है, तुरंत उसको कैंसिल किया है। अब देख रहे हैं कि हर जिले को जो भेजा जाता है उसमें कहां लीक है, किस तरह लीक हुआ, कैसे लीक हुआ।
बिहार बोर्ड ने इंटर कंपार्टमेंटल स्पेशल परीक्षा की आंसर की जारी। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बीते दिन बीएसईबी इंटर कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या फिर inter22spl.biharboardonline.com पर 12वीं कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा के आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीएसईबी इंटर स्पेशल कंपार्टमेंट परीक्षा 25 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित की गई थी। प्रैक्टिकल परीक्षा 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। बीएसईबी इंटर आंसर की 2022 तक पहुंचने के लिए छात्रों को अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा। बिहार में फिल्म पॉलिसी पर होगा खास ध्यान। फिल्म निर्माताओं को मिलेगा अब हर संभव सुविधा। बिहार सरकार की फिल्म नीति का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब तक ये जमीनी स्तर पर नहीं हो सका है। सरकार भी कई बार आश्वासन भले ही दे चुकी है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। हालांकि अब उम्मीद जागी है कि बिहार की पहचान भी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में होने वाली है। साथ ही भोजपुरी फिल्म के निर्माण में भी निर्माताओं का लाभ होगा, इसके संकेत खुद ही सीएम नीतीश ने दिए हैं। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। बिहार के विभिन्न इलाकों में इतना विकास हुआ है कि अगर कोई सिनेमा बनाना चाहे तो लोकेशन की कोई कमी नहीं होगी। बिहार में अब ड्रग इंस्पेक्टर पर बढ़ेगी सख्ती। अब बिहार में ड्रग इंस्पेक्टरों पर सख्ती बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य विभाग दवाओं की मनमानी कीमत कालाबाजारी पर रोक को औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई गठित करने की तैयारी में है। इसको लेकर ही दवाओं की मनमानी कीमत कालाबाजारी पर रोक के लिए स्वास्थ्य विभाग नई कवायद में जुट गया है, जिसके तहत अब ड्रग इंस्पेक्टरों से 3 महीनों की उपलब्धियों का ब्यौरा तलब किया है। इन्हें बताना होगा कि महीने में कितनी दवा दुकानों का निरीक्षण किया, नियमों के विरुद्ध कारोबार करने वाले कितनों पर कार्रवाई की, जिसके तहत अब काम गंभीरता से हो और दवाओं की मनमानी कीमत कालाबाजारी पर अंकुश लगे, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को महीने में कम से कम 20 दवा दुकानों के निरीक्षण के निर्देश भी बीते दिनों दे दिए गए हैं। बिहार में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी राम मंदिर की स्थापना की जा रही है। इस मंदिर के निर्माण कार्य की तैयारी शुरू हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंदू धर्म के लिए ये सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भगवान राम जब विवाद के बाद अपने घर लौटे थे तो लौटते समय जनकपुर से लौटते समय भगवान राम की बारात यहीं पर रुकी थी। ऐसे में इस स्थान पर विश्व का सबसे विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये मंदिर 270 फीट ऊंचा होगा। इस मंदिर की लंबाई 1080 फीट और इसकी चौड़ाई 540 फीट की होगी। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के 3 तरफ सड़क है। बता दें कि अयोध्या से लेकर जनकपुर के लिए बन रही सड़क भी राम जानकी मार्ग से होकर जाएगी, यानी कि जो लोग अयोध्या से जनकपुर जाना चाहते हैं वो एक बार राम जानकी मंदिर में भी रुक सकते हैं। बिहार में बन रहे इस मंदिर का निर्माण कार्य पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से करवाया जा रहा है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग पर एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों का धरना। शिक्षा विभाग की तरफ से 50,000 पदों पर 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन का आश्वासन बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7वें चरण में शिक्षक नियोजन की तारीख जारी नहीं हुई है। ऐसे में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने गर्दनीबाग में धरना दिया। छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग लगातार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तारीख घोषित करने की बात कह रहा है, लेकिन अभी तक नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए हम लोग धरने पर बैठ गए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ये धरना जारी रहेगा। जनता दरबार में एक्टिव दिखे सीएम नीतीश। सीएम नीतीश कुमार सचिवालय के बगल में बनाए गए हॉल में जनता दरबार में बीते दिनों लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बिहार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी, कला संस्कृति, श्रम संसाधन और वित्त विभाग से संबंधित शिकायत सुन रहे थे। इस दौरान समस्तीपुर का एक छात्र आईटीआई कॉलेज में शिक्षकों की कमी की शिकायत लेकर पहुंचा। छात्र की शिकायत सुनते ही सीएम ने श्रम संसाधन विकास विभाग के अधिकारी को फोन कर तुरंत समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुंचाएंगे चिराग। एकला चलो की राह पर बिहार के 12 करोड़ लोगों की आवाज बनकर कार्य कर रही लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान नई मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संजय पासवान ने सोमवार को चकाई सर्किट हाउस में पार्टी की समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने उक्त बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुट जाएं, सांसद चिराग पासवान के कराए गए विकास योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं और राज्य सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज।
पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने 1526 में तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद में प्रवेश किया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इसी दिन आरंभ हुआ था। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को 1857 में मार डाला था। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति जोकि अल्बर्टो फिसानो 2003 में 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर 2005 में भारत और पाकिस्तान सहमत हुआ। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऑस्कर एरियास ने 1987 में दोबारा कोस्टारिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म 1929 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 1980 में आज ही के दिन हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज का निधन 1922 में आज ही के दिन हुआ। अब कोई नहीं पढ़ पाएगा पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स। दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों और प्रियजनों के साथ बातचीत करने के लिए और जुड़े रहने के लिए दुनिया भर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है, लेकिन कुछ चैट ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कुछ चैट ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप ना सेव करना चाहते हैं ना ही हटाना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में आप क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप चैट को छिपाकर या फिर आर्काइव कर सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन व्हाट्सएप अपने यूजर को एक आर्काइव चैट फीचर प्रदान करता है जो यूजर को बातचीत को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए अपनी चैट लिस्ट में किसी व्यक्ति या ग्रुप चैट को छिपाने की अनुमति देता है। पृथ्वीराज के ट्रेलर लॉन्च में भावुक हुए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। फिल्म में अक्षय पृथ्वीराज चौहान के किरदार में नजर आ रहे हैं। उनके अलावा इसमें मानुषी छिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद और मानव विज लीड रोल में है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार इवेंट में इमोशनल हो गए और उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है। अक्षय का कहना है कि फिल्म पृथ्वीराज काफी ऐतिहासिक फिल्म है और इसमें उनकी वीरगाथा को दिखाया गया है। ऐसे में ये फिल्म हर बच्चे को देखनी चाहिए और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना चाहिए। मुंबई इंडियंस को 52 रनों से कोलकाता ने दी मात। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल 2022 में प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कायम है। केकेआर ने सोमवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 52 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10 रन देकर 5 विकेट लिए। हालांकि मुंबई के बल्लेबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। पूरी टीम 17.3 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। अन्य कोई बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना पाया। इस नतीजे के बाद केकेआर के 12 मैच के 10 पॉइंट हो गए हैं और ये टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गई है। कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे, साथ ही नेट रन रेट के मामले में भी खुद को आगे रखना होगा। मुंबई की टीम पहले ही इस होड़ से बाहर हो चुकी है। टीम 11 मैच में सिर्फ 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर 10वें और आखिरी स्थान पर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मिथुन कुमार, शंकर मुखिया, प्रिया यादव, सौरभ मिश्रा, नीतीश कुमार, गोनार शर्मा, ध्रुव कुमार, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, सनी कुमार, राकेश महतो, मोनू सिंह, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाने के मामले में आप बिहार सरकार को कितने अंक देंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।